एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो बेसिकली वीडियो है वो है हाउ टू रिमूव माय मेकअप। कैप्शन से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा। आज वैसे मुझे बहुत ज़्यादा थकावट थी, मेरा रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो मैंने मेकअप तो रिमूव करना ही है तो मैं क्यों ना आप लोगों के सामने कर लूँ। तो मेकअप अब आप ले कहेंगे कि मेकअप पता नहीं है वैसे, क्योंकि ये मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा वाला मेकअप नहीं है। ये इसमें ये सीन है कि ये मेरा डे टू डे मेकअप है। मैंने ये क्लासेस देने जाना होता है और जो मैंने क्लासेस देनी होती हैं तो फिर मैं डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा मेकअप वेयर नहीं कर सकती, तो इस वजह से मेरा डेली बेसिस का जो मेकअप होता है वो बहुत नेचुरल और लाइट मेकअप होता है। मतलब इसमें जस्ट इस जस्ट दैट कि मैं करेक्टिंग करती हूँ, पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ एंड मस्कारा लगा लिया, ब्लश लगा लिया एंड दैट्स इट, और लिपस्टिक कर ली। और तो अभी ये सीन है कि अब मैंने कहा कि रिमूव करना है तो मैं आप लोगों के सामने कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा वैसे सीरियस होता जा रहा है ये टॉपिक, लेकिन चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले जो है वो है जी गार्नियर का माइसिलर वाटर। ऐसे हम अपना करते हैं मेकअप रिमूव, अच्छी तरह से उसके अंदर इसको कर देंगे डिप अपने कॉटन पैड्स को। और उसके बाद अभी आप लोगों को लग रहा होगा ना इतना मेकअप नहीं है क्योंकि बहुत नेचुरल वाला है, तो अभी ज़रा देखना जब ये उतरेगा। मैंने बहुत लाइट हैंड से इसको रिमूव किया है, तो ये हमारा जी मेकअप अब तक रिमूव हो चुका है। अब हमारी स्किन के अंदर मेकअप चला जाता है तो हमें मज़ीद इसको क्लेंस करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास है जी ये क्लिनिक का टेक द डे ऑफ। ये देखें, आई होप ये देखें, ठीक है। ये है क्लिनजिंग बाम बेसिकली, वो कुछ इस तरह से दिखती है। तो इससे मेकअप रिमूव करेंगे। मेरे पास एक स्पैचुला है, स्पैचुले की मदद से इसको मैं अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि नेल से मैं निकाल नहीं रही। बहुत ज़्यादा मैंने नेल्स लगा के ना, इंसान उसको कहते हैं ना वक्त पाई अंदर, तो वो सीन है। तो ये थोड़ा सा मैंने बस लाइट सा अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम इसको करेंगे जी क्लेंस इससे अच्छी तरह। जो चीज़ उससे नहीं उतरी ये देखो, जो चीज़ उससे नहीं उतरी वो हम इससे उतार लें। ये देखो अभी भी निकल रहा है, और जबकि मैं डेली बेसिस पे लिक्विड फाउंडेशन यूज़ नहीं करती तो फिर भी ये हाल है कि करेक्टिंग के बाद भी ये इतना सब कुछ अंदर से निकलता ही रहता है। एटलीस्ट रात को जब आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों ने मेकअप नहीं लगाना तो प्लीज़ उसको अच्छी तरह से रिमूव कर लिया करें। अगर क्लिनजिंग अभी एक और करेंगे हम, इस जस्ट कि अभी हमने मेकअप रिमूवर बाम यूज़ किया है और माइसिलर वाटर यूज़ किया, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरह से एक प्रॉपर क्लिनजिंग करेंगे हम, और वो करेंगे हम कोई भी फेशियल क्लेंजर ले लें आप या कोई भी नॉर्मल क्लेंजर जो भी आपको चाहिए। तो मेरे पास है जी ये एलोवेरा वाला, ये वाला ये क्लेंजर है, फेशियल क्लेंजर है, इट्स जस्ट अ फॉर्म टाइप वाला। तो ये मैंने मिनिसो से बाय किया था, तो ये हालत देख रहे होंगे तकरीबन बेचारा ख़त्म होने वाला हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको लगाएंगे अपने फेस के ऊपर। ये कैसे मैं लगा रहा, मतलब क्या बदतमीजी है भाई। तो इसको निकाल लेते हैं, निकालने में ज़रा सी मुश्किल होगी क्योंकि जे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, ये देखें इसको ले लिया, हम इसको अपने चेहरे पे कर देंगे अप्लाई, ठीक है इस तरह से। और इसको अप्लाई करने के बाद चूंकि ये क्रीम फॉर्म है तो इसके ऊपर मैं करूंगी एक रोज वाटर ताकि थोड़ा सा ये गीला हो जाए। और मेरे पास है ये इस तरह का एक क्लिनजर ब्रश है, ये भी मुझे मिनिसो से मिला था। रुक जाओ इसको खोलते हैं, ओ भाई फंस गया। ये देखो ये इस तरह से एक क्लिनजर ब्रश है, तो इसकी मदद से ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इसकी मदद से हम यूँ सर्कुलर मोशन में अपना अच्छी तरह क्लेंस कर लेंगे फेस। अच्छी तरह एक मिनट की क्लेंजिंग के बाद अब हम करेंगे इसको रिमूव। तो हमारे पास है, एक निकाल दें ये इस तरह से रिमूवर, सॉरी स्पॉन्ज, मैं क्या क्या बोल रही हूँ,
ये है थकावट का हाल, आप लोग मेरी चेक करो थकावट का हाल, ये देखो। अब अगर कोई और भी इसके अंदर मेकअप होगा तो इसको साफ करने से वो भी निकल जाएगा। तो अब हमारा चेहरा टोटल क्लीन हो चुका है, अब हमारे चेहरे के अंदर कोई मेकअप नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम लोग। सो ये क्लीन करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सो जी, अच्छी तरह से अब मेकअप हो गया रिमूव, हमारी क्लींजिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह फेस वॉश कर लिया मैंने, ठीक है। अब हम करेंगे जी रोज़ वाटर, तो इसको ज़रा कर लेंगे ताकि थोड़ा सा यू नो गीला हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं एक्चुअली मुझे इस टाइम ये है कि मैं थोड़ी सी, मुझे स्किन को मॉइस्चराइज करना है, थोड़ा हाइड्रेशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, क्लेंजिंग के बाद डॉक्टर रेशेल का शीट मास्क है ये, ठीक है। इसको इस तरह से निकाल लेंगे, इसके अंदर से इसकी शीट है, शीट को निकालेंगे। चल निकला भाई, निकलता ही नहीं है भाई, ये देखो, ठीक है। अब जो इसकी फिल्म वाली साइड है उसको रखेंगे ऊपर, और जो दूसरी साइड है उसको रखे जाएंगे नीचे। अच्छा, ये देखें, ये है इस तरह से शीट मास्क, ठीक है। और जो इसकी, ये देखें, ये है फिल्म वाला साइड, ये जो ये साइड है ये आएगा ऊपर, और जो अंदर मास्क वाली साइड है वो हम लेकर आएंगे ऐसे। ये इस तरह लग गया। अब मैं क्या करने लगी हूँ, थोड़ी देर के लिए बस सर्कुलर मोशन में हम इसको क्या करेंगे, ये है जी मेरे पास जेड रोलर, इसका यूज़ करूँगी। इससे ये है कि आपकी स्किन को बहुत सूथनेस मिलती है और इतनी रिलैक्सेशन होती है स्किन पे कि बस दिल करता है कि बंदा आंखें बंद करे और लेट जाए। तो मैं इस मास्क के ऊपर ही लाइट सा प्रेशर के साथ इसको यूँ जेड रोलर का इस्तेमाल। तो जी कुछ देर के लिए हमने कर लिया है, इससे मेरे चेहरे को इतना सुकून मिला ना कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि इस टाइम कितनी रिलैक्सेशन फील हो रही है मुझे, ठीक है। तो अब ये कर लिया, अब मैं करूँगी ये मास्क अप्लाई, ये मैं दिखा देती हूँ कैसे, ठीक है। उसके बाद ये करेंगे हम अप्लाई, इसको खोलते हैं, इसके अंदर इस तरह से स्पैचुला के अंदर चला गया इसका, ओ मैन, ये रहा इसका स्पैचुला, और ये इस तरह से होता है। इसको हम रिमूव करेंगे ऊपर से, और उसके बाद इसके अंदर से हम निकालेंगे अपना एक मास्क और उसको अप्लाई करेंगे। सो देखिए जी, ये इस तरह से इसके अंदर होता है, ठीक है। हम इस स्पैचुले की मदद से इसके अंदर से एक जो है वो निकाल लेंगे, अगर ये आ जाए तो। ये देखिए कुछ इस टाइप का, ये लिप की पूरा प्रॉपर शेप बनी होती है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करती हूँ मैं, और वापस आती हूँ अप्लाई करके, क्योंकि उसके बाद मैं बोल तो सकती नहीं हूँ। तो जी हम इसको रखेंगे कुछ देर के लिए और वापस आते हैं। लिप मास्क रिमूव हो गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपना फेस मास्क रिमूव। इतना मज़ा आया ना, अभी यकीन मानो कि मैं जब लेटी थी, मैं आंखें बंद की हुई थी, तो बकायदा मेरी आंखों में थकन में से पानी निकल रहा था, तो इतनी रिलैक्सेशन में। तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे फेशियल स्प्रे। वाटरमेलन है ये, वाटरमेलन बाउंसी। हम करेंगे फेशियल स्प्रे फेस पे, और इसको अब हम होने देंगे ड्राई। हमारे पास है लॉरियल का एज परफेक्ट टोनर, ये है टोनर, रिफ्रेशिंग टोनर है। इसको हम चेहरे पे अपने अप्लाई करेंगे। तो हम अपना लेंगे कॉटन पैड, उसके ऊपर इसको अच्छी तरह से रगड़ेंगे, निकाल लेंगे, और इसी की मदद से हम हल्का सा स्लाइट सा डैबिंग मोशन के अंदर इस टोनर को अप्लाई कर देंगे। तो मैं क्या करूँगी, डॉक्टर शेल की बहुत ज़्यादा शौकिया मारेंगे, ठहर भाई नज़र ही आ जाए। ये डॉक्टर शेल की नाइट क्रीम, ये एज अ मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करने लगी हूँ नाइट क्रीम। तो अंदर से भी दिखा देते हैं
ये कुछ इसके ऊपर ये होता है, तो हम करेंगे ये देखो, ये कुछ अंदर से इस तरह से दिखती है। आज लगा लिया है हमने नाखून, तो फिर से स्पैचुला की मदद से मैं लगाऊंगी डॉक्टर रिशेल की नाइट क्रीम अच्छी तरह से एज अ मॉइस्चराइजर हम यूज करेंगे, अच्छी तरह से इसको एडजस्ट करा लेंगे। इस तरह मेरे अब मेरे फेस को इतना सुकून मिल चुका है ना, ये आधा कमाल उस जेल रूलर का है कि मतलब मेरा चेहरा इस टाइम ठंडा है, ठंडा यू नो। ओह हाँ, मेरा दिल कर रहा है मैं अपने हाथ उठा के ना इसके ऊपर रख लूँ। ये हो गया जी, बाकी की ना इधर लगा लूँगी, ठीक है ये हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स यू नो मेबेलिन का लिप बाम, कि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो मैं जितनी भी चीज़ें लगा लूँ ना काम है, यकीन करो। तो हम करेंगे लिप बाम अप्लाई। तो ये हो गया जी हमारा मेकअप रिमूवर, मॉइस्चराइज भी कर लिया हमने, लिप बाम को भी कर, लिप्स को भी कर लिया है, तो सारे काम हो गए हैं, सब डन हो गया है, वो था हमारा यू नो प्यारा लगना शुरू हो गया है। तो ये थी हमारी मेकअप रिमूवर की, खैर जो थोड़ा सा खराब हो गई इसको थोड़ा सेट कर लें, ठीक है। ये थी हमारी मेकअप रिमूवर की रूटीन, तो आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, अपना थोड़ा सा प्यार हम पे भी बरसा दें, ठीक है जी। तो चलती हूँ अब मैं, क्योंकि मेरा काम हो गया ख़त्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।